नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ पंकज शर्मा। पवित्र गंगोत्री धाम। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित एक छोटा सा कस्बा है जिसके मध्य में स्थित है गंगोत्री धाम। यह हिंदुओं के पवित्र धामों में से एक धाम है और छोटी चार धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। यह गंगा नदी के उद्गम और प्रवाह का मुख्य स्थान है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित गौमुख से होता है और गंगोत्री धाम से इसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाने का क्रम पूरा किया तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं पर स्थान दिया। इसका कारण बताया जाता है कि पृथ्वी गंगा के वेग को सहन नहीं कर पाती, जिसके कारण भगवान शिव की जटाओं से होते हुए गौमुख के जरिए गंगा पृथ्वी पर बहती हुई जीवों का उद्धार करने लगी। अगर आप गंगोत्री की यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा की प्लानिंग और पूरी ट्रिप के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे पहुंचें। अगर आप दिल्ली और आसपास के एरिया से गंगोत्री जा रहे हैं तो आपको हरिद्वार पहुंचना होगा, जो कि दिल्ली से करीब 230 किलोमीटर है और आप मात्र 5 से 6 घंटे में हरिद्वार पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचकर शाम के समय हर की पौड़ी पर गंगा आरती में भाग ले सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस या शेयरिंग टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप हरिद्वार के बजाय सीधे ऋषिकेश पहुंचें, जो कि हरिद्वार से 25 किलोमीटर है, और रात में वहीं विश्राम करें, क्योंकि अगली सुबह ऋषिकेश से गंगोत्री या उत्तरकाशी के लिए आपको सीधी बस या टैक्सी मिल जाएगी। हरिद्वार तक आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, जिसका किराया लगभग 100 से 150 रुपये होगा, और बस से भी आ सकते हैं, जिसका किराया 200 से 300 रुपये होगा। अब आगे चलते हैं। तीर्थनगरी ऋषिकेश से गंगोत्री की दूरी लगभग 277 किलोमीटर है। यहाँ से अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे ऋषिकेश रोडवेज बस अड्डे से बस प्रस्थान करेगी, जो कि शाम 5 बजे गंगोत्री पहुँचेगी, और यही बस रात को रुकने के बाद अगले दिन सुबह 5:30 बजे गंगोत्री से ऋषिकेश के लिए भी वापस रवाना होगी। ऋषिकेश से गंगोत्री का किराया लगभग 450 रुपये है, या आप यहां से टैक्सी भी किराए पर ले सकते हैं, जिसका किराया 5 से 6 हज़ार रुपये होगा। इस यात्रा के दौरान आपकी गाड़ी चंबा होते हुए सफ़र करेगी और आप हिमालय की सुंदर चोटियों को निहार सकेंगे। पूरे रास्ते आपको सीनरी जैसे नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। रास्ते में विल्सन कॉटेज, सतताल और गर्म पानी के झरने, गंगनानी आदि घूम सकते हैं। इस दौरान आप देवदार के घने जंगलों के बीच यात्रा करेंगे। यहाँ की प्राकृतिक छटा आपके अंदर गहराइयों तक शांति भर देगी। गंगोत्री धाम के बस और टैक्सी स्टैंड से गंगोत्री मंदिर मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। गंगोत्री मंदिर पहुँचने के बाद आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में गंगा जी के दर्शन के बाद आप शाम में गंगा जी की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं खाने पीने और रात को ठहरने के लिए। गंगोत्री धाम में खाने पीने और रात को ठहरने के लिए GMVN के होटल्स और कुछ निजी होटल्स आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ आपको 500 से 800 रुपए में रूम्स मिल जाएगा और खाने में भी 80 से 100 रुपए में आप आसानी से अपना पेट भर सकते हैं। अगले दिन सुबह मंदिर में गंगा जी के दर्शन करने के बाद आप चाहें तो गौमुख की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो यहाँ से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौमुख से ही गंगा जी का उद्गम स्थल है, जिसे भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं गंगोत्री से गौमुख जाने वाले रूट और उसके बीच की दूरी। गंगोत्री से कंखू पोस्ट, जिसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है, उसके बाद चिड़वासा, गंगोत्री से चिड़वासा की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है, गंगोत्री से भोजवासा, चिड़वासा के बाद जो अगला पड़ने वाला पड़ाव है वो है भोजवासा, जिसकी दूरी गंगोत्री से 14 किलोमीटर है, और उसके बाद 4 किलोमीटर आगे है गौमुख, यानी गंगोत्री से गौमुख की दूरी 18 किलोमीटर है। वैसे मैं गौमुख के लिए सेपरेट वीडियो बनाने ही वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।